फ्रेंड्स, हमने बनाया है आटे से एक मजेदार नाश्ता। तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो एक बार बनाएंगे हम फिर से एक नई रेसिपी। अगर रेसिपी हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं। यहाँ पे मैंने आलू लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पे शिमला मिर्ची ली है और प्याज, तो इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले शिमला मिर्ची ऐड की है, और यहाँ पे मैंने कच्चा आलू है जिसे ग्रेट कर लिया है, ये देखिए बारीक बारीक, और यहाँ पे प्याज। तो इसे एक सब्जियां मैंने एक बाउल में ले ली, इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और यहीं पे मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, और गरम मसाला आपको जो मन पसंद है वो डाल सकते हैं। तो एक चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन मिर्ची जो है इसे पीस लिया था, तो इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अदरक लहसुन आप जरूर डालें इसके अंदर, और इसे करेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 चम्मच इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी, और बेसन डालते हैं मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी 1 चम्मच। यहाँ पे मैं काली मिर्च भूल गई थी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसे मिक्स करने के बाद साइड में रख देना है। ये देखिए सब्जियां हैं जो पानी रिलीज कर रही हैं, तो इसे हम ढक के साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप आटा लिया है, और थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ज्यादा इसमें तेल वेल कुछ हमें डालना नहीं है। सिंपल हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही नॉर्मली लगा लेना, इसमें हमें तेल वेल ऐड नहीं करना है। तो जैसा हम रोटी बनाते हैं सिर्फ वैसे ही बनाना है, ज्यादा झंझट इसके अंदर नहीं करना है। तो सिंपली डो लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। हो गया है, तो थोड़ी सी मालिश और रह गई है, तो वही कर रहे हैं हम। आटे को जितना हम मसलते हैं उतनी अच्छी रोटियां बनती हैं, ये तो सबको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोई हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा तैयार हो गया। हम रोटी के लिए बनाते सेम वैसे ही लोइयां कट कर लेना है। तो यहाँ पे रोटी की साइज का बना लेना है हमें, जैसे रोटी बनाते हैं, ज्यादा मोटा नहीं बनाना है हमें। फ्रेंड्स, रोटी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। तो तीनों रोटियां हमें ऐसे ही बना लीजिए कितनी पतली है। तो इसी तरह से हम तीनों रोटियां बेल लेते हैं। देखिए हमारी सभी रोटियां बन गई हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारी यहाँ पे सभी रोटियां बन गई हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो वेजिटेबल्स है उसे डालना है इसके ऊपर। यहाँ पे हम पानी को साइड में कर देंगे, और थोड़ी थोड़ी सब्जियां उठाएंगे, अपने सेंटर में रख देना है इसे रोटी के, और चारों तरफ इसे फैला देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 लेयर लगा ली है, तो फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर बिछाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें दूसरी रोटी भी बिछा लेना है इसके ऊपर। और फिर से हम इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे। आप यहाँ पे 3 से 4 भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 का बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे दूसरी लेयर हो गई है, तो हम ये तीसरी रोटी इसे ढक देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो रोटियों को हम पहले इस तरह से चिपका लेंगे, फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम रोटी को फोल्ड कर देंगे ताकि ये मोड़ जाए, एकदम से सेट हो जाए, खुले ना। तो थोड़ा सा पार्ट उठाना है, सर्कल दबा देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता सेट हो गया है, तो इसे हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसे स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए चलते हैं गैस के पास।
फ्रेंड्स, हमने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो खूब उबाल आ जाएगा, तो हमें हमारे नाश्ते को रख देना है पानी के अंदर इस तरह से। फ्रेंड्स, इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करना है हाई फ्लेम पे। वेल फ्रेंड्स, जब तक हमारा नाश्ता उबल रहा है तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो पानी डाल लेंगे हम इसके अंदर और पतली सी स्लरी बनाएंगे हमारे नाश्ते को कोट करने के लिए। तो यहाँ पे पतली सी स्लरी बनाना है हमें, ज़्यादा मोटी स्लरी नहीं बनाना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा अच्छे से कुक हो गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो 10 मिनट हो चुका है, इसे हमने स्टीम किया है। अब इस गैस को और इसे करेंगे डिश आउट, लेते हैं डिश आउट। देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, तो इसे हम कट कर लेंगे। तो आप अपने इसे मन चाहे आकार में कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आटे से हमने ये नाश्ता बनाया है, बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हमने आटे से इसे बनाया, मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप फ्रेंड्स इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं, आपका जब मन करे तब बनाइए। और कमेंट में लिखना ना भूलें कैसा बना है। एक लेयर इसकी कितनी अच्छे से निखर के आई है, ये देखिए। तो एक हम इसे खोल के दिखाएंगे, ये देखिए सब्जी कितनी अच्छे से पक गई है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, ये देखिए है ना शानदार, लेकिन हम इसे और शानदार बनाएंगे अभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये नाश्ता लेना है और हमने जो स्लरी बनाई थी इसके अंदर डिप कर लेना इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लरी में ऐसे कोट कर लेना है और कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया, तो इस तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से सभी हमारे जो ये कटलेट की तरह नाश्ता है इसे फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 फ्राई कर ले रहे हैं इसे, और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, नहीं तो ये। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना ये मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे नाश्ते के ऊपर। तो इसी तरह फ्राई कर लेना है नाश्ता। फ्रेंड्स देखिए, हमारा नाश्ता एकदम रेडी हो गया है, तो मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है हमारा और बहुत ही जल्दी बन गया है। ये देखिए एकदम सुपर डिलीशियस, सुपर सुपर क्रंची। तो इसी तरह हम बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सभी नाश्ता रेडी हो गया है, तो हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप अपनी मन चाहे चटनी के साथ खा सकते हैं। हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया, अब मैं इसे तो एंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म, और आप भी इसे जरूर एक बार ट्राई करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।